रोहित शर्मा ने ख्वाहिश कर दी है कि उसको पाकिस्तान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलना है। हाँ, वो कहता है कि पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। अब मुझे एक बंदा याद आ गया है, ये क्या नाम है इसका, हरबू, मिस्टर हरभजन सिंह। अभी 8 दिन पहले इसका ट्वीट आप लोगों के सामने आया था ना, पाकिस्तान के एक शहरी ने कहा था कि काश पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेटर एक साथ PSL खेलें या IPL खेलें, कितना अच्छा लगेगा, बहुत सारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश है। तो वहां पर हरभजन सिंह ने ये नफरत फैलाते हुए, हाँ, ये एक बदबू फैलाते हुए, एक नफरत अंगेज ट्वीट करते हुए लिखा कि कोई हिंदुस्तानी ये सपने नहीं देखता, बड़ा मेहरबानी आप भी सपनों से बाहर आ जाएं। हाँ, और अभी रोहित शर्मा ने ये सपना देख लिया है। रोहित शर्मा कौन है? इंडिया का जाना माना क्रिकेटर है। हाँ, इंडिया का शरीफ ज्यादा क्रिकेटर है, जिसकी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान और इंडिया में भी है। ट्रोल तो बाबर और विराट कोहली को किया जाता है, लेकिन रोहित को कोई ट्रोल नहीं करता, क्योंकि रोहित एक अलग लेवल का बंदा है। इंडिया का तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है, इंडिया को तीनों फॉर्मेट में नंबर लेकर आने वाला कैप्टन है रोहित शर्मा। उसने ये ख्वाहिश कर दी है कि जो है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलें, टेस्ट मैच खेलें। तो हरबू भाई साहब, आपको जो है ना मुंह तोड़ जवाब दे दिया है रोहित शर्मा ने, आपको चमाट मार के रोहित शर्मा ने बता दिया है कि आप जो है ना नफरतें फैलाना बंद करो। इंडिया की आवाम तो क्या, इंडिया के क्रिकेटरों की भी यह ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलें। रोहित शर्मा ने ये जो है कि कहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए, और ये हरभजन सिंह भाई साहब ट्वीट करके कहता है कि कोई हिंदुस्तानी ये सपने नहीं देखता। वो तो हमने वर्ल्ड कप के दौरान देख लिया था, जब हमारा किंग बाबर आजम अहमदाबाद या हैदराबाद के जो है कि एयरपोर्ट पे पहुंचा था, वहां पर किस तरह से बाबर आजम का इस्तकबाल किया था। दुनिया की और 8 टीमें आई थी, वर्ल्ड कप खेलने वाली 10 टीमें थी, इंडिया उसको हटाकर दुनिया की और 9 टीमें वो आई थी इंडिया में जो है कि क्रिकेट खेलने। दुनिया की 9 टीमों में से 8 टीमों का इस तरह इस्तकबाल नहीं किया गया जिस तरह पाकिस्तान का इस्तकबाल हुआ था। बाकी की 8 टीमें आई थी ना, उनका इस्तकबाल मीडिया वालों ने किया था, और मीडिया वालों को रीच चाहिए थी, उनके चैनल थे बेचारों के, इसीलिए वो आए थे। हाँ, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब आई थी ना, मीडिया तो दूर की बात है भाई साहब, पूरा हैदराबाद, पूरा अहमदाबाद जो है ना एयरपोर्ट पे रश सा छा गया था, ट्रैफिक सा जाम हो गया था, बाहर गाड़ियों की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सेना वहां पहुंची हुई थी, पाकिस्तान के हीरो वहां पहुंचे हुए थे। वो सारे हिंदुस्तानी फिर पाकिस्तान से प्यार नहीं करते थे, तो फिर वो क्यों आए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस्तकबाल करने? वो अफगानिस्तान का कर सकते थे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और भी दुनिया की टीमें आई थी, लेकिन 1.5 घंटा उनको लग गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एयरपोर्ट से निकलते हुए गाड़ियों तक पहुंचते हुए 1.5 घंटा लग गया। इतनी फैन पागलों की तरह पाकिस्तानी क्रिकेटरों के लिए इतने पागल थे, और बहुत सारे मैच के बाद भी बहुत सारे इंडिया के लोग मीडिया के सामने नजर आए जो पाकिस्तान से प्यार करते हुए नजर आए, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान आया, बहुत मेहरबानी, हम बाबर आजम को देखने आए हैं, हम ये करने आए हैं, हम वो करने आए, वो सारा हमने देख लिया था। बहुत सारे इंडिया के फैन चाहते हैं कि पाकिस्तान IPL खेले, इंडियन PSL खेले, पाकिस्तान इंडिया की सीरीजें बहाल हो। अभी रोहित शर्मा ने जो है कि एक अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, लेकिन मुझे अफसोस होता है इस हरभजन सिंह पर। ये एक इंटरनेशनल क्रिकेटर होके, एक पाकिस्तानी शहरी जो क्रिकेट का फैन है, एक क्रिकेटर होके क्रिकेट के फैन का उसने दिल तोड़ दिया। अगर वो ट्वीट पर लिख देता कि जी हाँ बच्चे, ये ख्वाहिश जो है कि क्या मतलब कि क्या हो जाता कि आपका ये सपना पूरा हो जाता, कितना अच्छा होता कि आपका ये सपना पूरा हो जाता, कोई अच्छी बात कर देता, लेकिन इस जो है ना इंसान ने एक बदबू फेंक डाली, एक नफरत अंगेज ट्वीट कर डाला कि कोई सपने नहीं देखता हिंदुस्तान का, आप सपने से बाहर आ जाओ। हाँ भाई साहब हरबू, वो तो आपने देख ही लिया, कोई हिंदुस्तानी सपने नहीं देखता। हाँ, रोहित शर्मा ने फिर क्यों सपना देखा है, वो तो इंटरनेशनल क्रिकेटर है। 2021 के दौरान विराट कोहली ने बाबर आजम की तारीफ कर डाली थी। हाँ, विराट कोहली ने भी कहा था कि बाबर आजम एक क्लासिक बैट्समैन है, बाबर आजम एक जबरदस्त और बहुत अच्छा बैट्समैन है, इंडिया के बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन हरबू जैसे, और गौतम गंभीर को देख लो, कोई किसी ने सोचा था कि गौतम गंभीर भी पाकिस्तान की तारीफ करेगा? हाँ, वर्ल्ड कप के दौरान, वर्ल्ड कप के बाद गौतम गंभीर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीफों के पुलंदिये बांध रहा है भाई, बाबर को उसने अपने सर का ताज बना लिया है, और ये हरबू कहता है कि पाकिस्तान इंडिया में कोई सपने नहीं देखता। बहरहाल आपको तो चमाट मार दी रोहित शर्मा ने जो है कि ये ख्वाहिश की है कि इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना है, वो भी पाकिस्तान के साथ।